इन लोगों की पहचान करनी पड़ेगी। देश में बड़े बड़े आंदोलन ये चलाने पड़ेंगे। आज से जो संयुक्त मोर्चा ने फैसले लिए हैं उसके तहत हमको बड़ी बड़ी मीटिंगें पूरे देश भर में करनी पड़ेगी। अब ये मिशन खाली मिशन उत्तर प्रदेश और ये नहीं उत्तराखंड मिशन होगा संयुक्त मोर्चे का, देश बचाने का। ये देश बचेगा, ये संविधान बचेगा। आज लड़ाई उस मुकाम पर आ गई कि देश के जो नौजवान हैं, जो 14 करोड़ लोग जो बेरोजगार हमारे साथी हमारे बच्चे हुए हैं, ये आंदोलन उनके कंधों पे है। जिस तरह से एक चीज बेची जा रही है, तीन कानून भी उसी का ही एक हिस्सा है। पहला है कि यहां पर रेल और हवाई जहाज और हवाई अड्डे बेचे जाएंगे। किसने परमिशन दी, किसकी ताकत है कि देश की प्रॉपर्टियों को बेचोगे? आपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा, देश की जनता को धोखा दिया। धोखा नंबर एक। धोखा नंबर दो, धोखा नंबर दो, बिजली बेचेंगे, प्राइवेट करेंगे बिजली को, ये धोखा नंबर दो। कहीं घोषणा पत्र में नहीं लिखा, जब वोट मांगी नहीं कहा कि बिजली भी बेचेंगे। ये सड़क बेचेंगे, पूरी सड़कों पर टैक्स लगेगा और एनएच के आसपास 500 मीटर तक अपनी कोई चाय की दुकान और गुमटी भी नहीं लगा सकता। अगर किसी ने चाय का खोखा रखा तो वह जमीन उसकी गांव समाज में निहित होगी। ये सड़कों को बेचने का काम करेंगे। ये देख लेना क्या क्या चीज बिक्री है। ये सेल फॉर इंडिया का बोर्ड देश में लग चुका है। ये है LIC, जो बड़ी कंपनी देश की, बैंक, ये सब बिखरे हैं। इनके खरीदार कोई और नहीं है, खरीदार अडानी और अंबानी हैं, ये बिखरे हैं सब। FCI की जमीन जहां पे हमारा भंडारण होता था, वे पूरी जमीन पूरे गोदाम अडानी को दे दिए गए हैं। पूरी FCI के जो गोदाम है अडानी के कब्जे में है। आपके पास में, भारत सरकार के पास में कोई भी गोदाम अब नहीं बचा है। मुजफ्फरनगर की ये रैली भाइयों, आपकी आज की ये रैली, सारी दुनिया इसको देख रही है। पिछले हफ्ते अमेरिका में वहां के गोरे किसानों ने आपके हक में एक बहुत जबरदस्त मुजाहरा किया और उन्होंने जो मैसेज सोशल मीडिया पे दिया वो कहते हैं, भारत के किसानों हम आपके साथ हैं, भारत के किसानों डरना मत, इन्होंने हमें डरा के कॉरपोरेट्स के चुंगल में फंसा दिया। और आज हमारी हालत ये है कि कॉरपोरेट का नाम सुनते ही हमें काम को भी छिड़ जाती है। मत डरना इनसे, आपके साथ सारी दुनिया के लोग हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में दो बार बहस हो चुकी है आपके इन कानूनों के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, हर देश की पार्लियामेंट पे चर्चा हो गई, विदेशों में सरकार की खिल्ली उड़ रही है। तो आपके आज के इस रैली ने एक चेतावनी दी है, मैं समझता हूं, मोदी सरकार को और भाजपाइयों को, या तो वो राय रास्ते पे आ जाएं, वरना अब इस आंदोलन को आप रोक नहीं पाओगे। ये घर घर चला गया। पंजाब और हरियाणा में तो स्थिति आज ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जाती है पंजाब में किसी गांव में, लोग उनके लीडरों को घेर लेते हैं, नहीं घुसने देते। हरियाणा में भाजपा की बोलती बंद कर दी किसानों ने, उसके चीफ मिनिस्टर को भी वो नीचे नहीं आने उतारने देते हेलीकॉप्टर। इन्होंने करनाल में इतनी बुरी तरह से निहत्थे किसानों को पीटा जिसमें एक भाई हमारा शहीद भी हो गया, और हमने 6 तारीख तक वार्निंग दे रखी है हरियाणा की सरकार को कि या तो उस ऑफिसर के खिलाफ जिसने सर फोड़ने की हदायत की पुलिस को, या तो उसके खिलाफ 202 का मुकदमा दर्ज करो, नहीं तो फिर
छह तारीख को आपके सेक्रेटरिएट को घेर लेंगे। छह तारीख को हरियाणा का किसान बड़ी संख्या में करनाल में इकट्ठा हो रहा है। हमारा वो भाई जो हमारे लिए बहुत कीमती साथी था, जो बहुत देर से आंदोलन में काम कर रहा था, वो आम गरीब किसान के परिवार से था। उसके पीछे उसकी जिम्मेदारियां रह गई। वो हमारी, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उसकी, हमारे दिवंगत साथी की आत्मा की शांति को, शांति के लिए प्रार्थना करें। और ये छह मुझसे गलती से कहा गया, सात तारीख को करनाल में इकट्ठ रखा गया है। अगर सरकार उस ऑफिसर के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज नहीं करेगी तो हरियाणा के किसान इकट्ठे होके वहां सिविल सेक्रेटरिएट का को घेराव कर लेंगे, नहीं छोड़ेंगे उसको। और वो कंस्टिट्यूएंसी मुख्यमंत्री खट्टर की कंस्टिट्यूएंसी है। यूं ही नहीं उसने पुलिस को ऐसी हदायतें दी, हर सीएम अपने हलके में अपनी चॉइस के ऑफिसर रिप्यूट करता है। अगर वो आज जो ऑफिसर है, पता चला है वो आरएसएस के एक कार्यकर्ता का भतीजा है, अगर उसे ताकत इतनी चढ़ी है तो देख लेंगे, हम भी तैयार हैं फेस करने को। अब तो पंजाब में भी शुरू हो गया, मोगा पे किसानों पे लाठियां चली, माछीवाड़ा पे वो कुछ कर नहीं पाए, सुखबीर बादल रास्ता छोड़ के किसी और रास्ते से भाग गए, लेकिन एक झूठी एफआईआर वहां भी हमारे वर्कर्स पे उन्होंने दर्ज कर ली। तो हम इन बातों से डरने वाले नहीं हैं। लड़ाई बहुत अहम है, लड़ाई हमारे भविष्य की है, हमारे बच्चों की है। जो बड़ी गिनती में लोग पहुंचे हैं उसके बारे में क्या कहना है? क्या ये मोदी सरकार को जो सुनेहा देना चाहते हो पहुंच जाएगा? सुनिया नहीं, मोदी सरकार को जो सुनेहा देना चाहते हो आज जो कट हुआ है उससे पहुंच जाएगा? हाँ जी पहुंचेगा, क्यों नहीं? मोदी सरकार तो सुनेहा दे रखा, किसान ना बोलती बंद कर रखी, 9 महीने हो गए मोदी की, तो देख ले आप आंधी हो जाए भीतर बड़बड़ कर होगा। किसान तो बहुत बड़ी चीज है, किसान ने तो भगवान पत्थर में पैदा कर दिया था, भगत ने मोदी तो क्या चीज है? भगवान पत्थर में मूर्ति ने रोटी खानी पड़ी थी, भोजन खाना पड़ा था। किसान तो बहुत आगे था, जो किसान अपनी आवाज जड़े पलोथा मार लिया, ताड़ी ला लिया, चौकड़ी ला लिया, वही फतेह कर दे दो। जगजीत सिंह मुख्यमंत्री तो बोलते हैं कि ये तो आंदोलन अभी भी पंजाब के या हरियाणा वाले लोग नहीं है, ये जाए तो हम गुस्से टैंक कर हम पंजाबी में सड़क खाओ हम हिंदी जेड़ी कवा ये जाए तो लेकर आ रहे हैं यहाँ आ रहे जमाई हरियाणा वाले यहाँ आ रहे सारे जमाई ये ऊपर थापी क्यों लगा के ले आए गुहा या था पीनू लेगा ये हरियाणा की संस्कृति है जो हरियाणा में किसी की डेथ हो जाने गुजर जाए वो गुजर जाए उसका पार आ गया थापी सिलके करा या सरकार गुजर की मार ना की सरकार का पार आ गया 9 महीने हो गए सिलके रखा यू। मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे जो इकट्ठ हुआ है आज इतना बड़ा इकट्ठ नजर आ रहा है, जो सरकार तक कैसा सुनेहा पहुंचेगा इस बात का? ये जी एक ऐतिहासिक रैली है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मंच से एक आवाज आई थी कि कुंभ का मेला 12 साल बाद लगता है, लेकिन ये ऐतिहासिक ऐसी रैली है, ये जिंदगी में ये दोबारा को नहीं होवे, ये आर पार कर देगी। आज आगे हमने कभी ऐसी रैली करने की जरूरत है कोने पड़े, ये आर पार है जी। बीजेपी सरकार का सुपड़ा साफ, मतलब लोहे आली बुहारी लेकर आ रहे हैं, उधर शाम मर के जाएंगे और जमुना में भाग जाएंगे। सरकार तो अभी मान नहीं रही, लगभग हम कह सकते हैं कि साल का समय होने वाला है ये इस आंदोलन को चलते हुए, लेकिन सरकार अभी भी कहती है कि मुट्ठी भर लोग बैठे हुए हैं खेती कानूनों के खिलाफ, और ज़्यादातर लोग तो चाहते हैं कि ये कानून जो अच्छे हैं वो पास हो जाने चाहिए। देखो सरकार ने तो मानना पड़ेगा, हम तो सरकार से एक बात कर रहे हैं कि अगर अक्ल ठिकाना आ गई हो तो मान ले, और ना तो यह आज जो एक ऐतिहासिक रैली है ना, यो महायुद्ध है, यो आर पार करके जागा और तना फिर मानना पड़ेगा। वो एक हमारे हरियाणा में देसी कहावत है कि बकरी दूध देर मिंगण गेर कर दे, इलाज करवा के मानेगा उस तक पहले इबा मान जाएगा तो घना बढ़िया रहेगा। ये सबक ले लेना चाहिए सरकार ने, क्योंकि जो है ना जनता ने सरकार बनाई थी, या जनता आज दिखा दो कवर करके, या एक कुर्सी पर तो नीचे गिरेगी घसीटेगी, और ना तो भी समय है आज, राज्य खुशी मान जाएगा तो उसकी थोड़ी बहुत इज्जत बच जाएगी, और ना तो जो है सड़ा के गिरेंगे
वो हमारे हरियाणा में के सारे के घेरा रहे, कुत्ता मर जाए जब उसकी टांग न बांध ले जा कर और सीट का बोझड़िया में छोड़ आकर न्यू है इसकी टांग न बांध कर और गुजरात में उल्टा छोड़ कर आवाएंगे ताकि पछाड़ में भी ना आवे यो गुजरात वाले का अग महाराज है अग और कोई आ गया आड़े तो इलाज करवा के जाएंगे जी अपने यूपी वाले भाइयों दो रहे जो मुख्यमंत्री हैं उनको मतलब लोगों का रो पता नहीं चलता, लोग इतने रोष में हैं, लोग इतनी कठिनाइयों में इतनी मुश्किलों में हैं, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि हरियाणा वाले तो इस आंदोलन में है ही नहीं, वो तो शामिल ही नहीं है, या हरियाणा वाले नहीं चाहते कि खेती के अनुराध होने चाहिए। एक बार तो पहले जो कवर करवा कर दिखा दो कि ये हरियाणा ये उठ रहा है, हरियाणा की संख्या न्यू देख लो, हमने इतनी उम्मीद भी ना थी जितनी हड़प पहुँचेगी। दूसरा बता दूँ खच्चर का तो सौदा है कुछ कौन है, उसकी चलती तो सही कौन है, वो क्या करेगा, चल रहे तो जो है ना पूंजीपतियाँ की है ऊपर तो वे कह है जो करो हुआ है खच्चर ना कौन बोझ है, वो तो बेचारा दम दमा के कुत्ते की तरह सुरंग में बैठा है, उसने कोई ना बूझता उसका कुछ ना है। कितना आया जी, की नाम है? कीवल सिंह कंग, भारतीय किसान यूनियन ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ मुजफ्फरनगर तो भी लोग आए, हरियाणा तो भी आए, यूपी के लोग भी होर सूबों के भी आए है, तो सरकार तक सुनेहा पहुंचूगा कि साडा कल्ला अंदोलन नहीं है, सारे भारत का पूरे भारत का अंदोलन आए। ये तो मोदी सरकार नु कन्न खोल लेने चाहिए आ, जे घट भी होया तो आप सवेर दे आए हैं, ये 15 लाख तो घट नहीं होगा, 15 लाख तो वध हो सकता घट नहीं होगा, ये जड़िया एदिया माड़िया सोचा वा तीन काले कानून वो, पर ये एक भारत नू हिंदू बनाने कोशिश कर दे आ, जिदा त्रेता जी राम जी आए द्वापर च कृष्ण जी आए अवतार ही कलयुग का अवतार गुरु नानक देव जी आया, उन्हें तो हिंदू सिख मुसलमान सिख भाई उन्हें तो सारे एक बनाता, गुरु ग्रंथ साहब परमेश्वर ने एक बनाता, ये जिहड़ा हिंदू बनाने दी ये जिहड़ी बीजेपी आरएसएस पार्टी बनाने दी आ ये बिल्कुल नहीं बन सकती। शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने हकों की लड़ाई लड़ी सी ते शहीदी प्राप्त की, बेशक शहीद आजम सरदार भगत सिंह वर्गा बनना मुमकिन नहीं है, पर फिर भी अज मुजफ्फरनगर की रैली के एक उस तरह का जिहड़ा करैक्टर बन के आए ने एक शख्स, गलबात करांगे कि क्यों इत्थे आना पिया, की वजह है, आपका नाम क्या है? आशीष। क्या करैक्टर बन के आए हो अज, कौन बन के आए हो? भगत सिंह। क्यों बन के आए हो? सरकार को दिखाने के लिए कि भगत सिंह आज भी जिंदा है। क्या दिखाना चाहते हो, कैसे दिखाओगे इस? ये कानून जो बनाए हैं हम इसको रद्द करवाना चाहते हैं, तीनों के लिए कृषि कानून है, इनको वापस लो। ये जंजीरों में क्यों बांध रखा अपने आप? इसको अपने आप को जंजीरों में क्यों बांध रखा? ये जो अंग्रेजों के टाइम में भगत सिंह को बांध के रखा था, ऐसे ही सरकार ने हमारे किसानों को ऐसे ही बांध के रखा हुआ है। तो क्या लगता है सरकार आपकी सुन लेगी? ऐसे सुनेगी, सुनेगी क्यों नहीं, आज जो जन सैलाब सरकार देख रही है इससे सुनेगी नहीं? सुनेगी, जरूर सुनेगी, आज सरकार की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वो सरकार बोल रही थी कि मुट्ठी भर किसान है, आज 1 करोड़ किसान, 1 करोड़ किसान से भी ज्यादा किसान यहाँ पे आए, आज सरकार को सुनना पड़ेगा। लेकिन भगत सिंह की बात नहीं सुनी गई थी, उन्होंने धमाका भी किया था, उन्होंने कहा था कि सरकार अगर सुनती नहीं तो उसके लिए धमाका भी करना पड़ता है। नहीं, धमाका तो हम नहीं करेंगे, हम शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करेंगे। कहना चाहते हो मोदी सरकार को, योगी सरकार को? ये कहना चाहते हैं किसान भाइयों का जो एक जो मांग है इसको वापस करो, जो मांग है उनको मानो, ये कहना चाहते हैं। जंजीरें खुल जाएंगी? जंजीरें खुल जाएंगी से जो कृषि कानून वापस हो जाएगा, उनमें MSP पे कानून बना देंगे।